हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ श्वेता शर्मा। और कैसे हैं आप लोग? तो स्टूडेंट्स, अब आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, 11th क्लास में पहली बार आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, तो आपको यहाँ पे कुछ दिक्कत आती है। तो अभी तक जो आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर वगैरह जो भी होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी था, वो एक थियोरटिकल चैप्टर था। पर जब जो सबसे पहला आपका प्रैक्टिकल चैप्टर है अकाउंटिंग का, वो है जर्नल एंट्रीज, ठीक है? तो जर्नल एंट्रीज जब भी पास करते हैं तो स्टूडेंट्स को उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहला तो यही क्वेश्चन रहता है कि डेबिट और क्रेडिट क्या है, क्योंकि जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो उसमें डेबिट और क्रेडिट किया जाता है किसी भी जर्नल एंट्री को, ठीक है? तो जब भी हम कोई एंट्री करते हैं तो उसमें डेबिट और क्रेडिट होता है। तो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन यही होता है कि डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या है? क्या डेबिट का मतलब होता है प्लस करना और क्रेडिट का मतलब होता है माइनस करना? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। ना तो डेबिट का मतलब होता है प्लस करना और ना ही क्रेडिट का मतलब होता है माइनस करना, ठीक है? वैसे तो डेबिट और क्रेडिट का कोई भी मतलब नहीं दिया हुआ है, पर फिर भी जब हम लेजर या भी हम भी कोई अकाउंट बनाते हैं लेजर के अंदर, तो उसमें अकाउंट को हम हमारा जो अकाउंट होता है वो इस तरीके से टी शेप का होता है, ठीक है? टी शेप का होता है हमारा अकाउंट। तो जब भी हम अकाउंट बनाते हैं तो इसकी जो लेफ़्ट साइड होती है ये डेबिट साइड होती है, यानी कि ये डेबिट साइड को रेफ़र किया जाता है। हमारी जो राइट साइड होती है अकाउंट की, वो क्रेडिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड को शो करता है। तो जब भी अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन इस साइड जो शो की जाती है, तो इसका मतलब उस अकाउंट को डेबिट किया गया है। और जब किसी ट्रांजैक्शन को राइट साइड में शो किया जाता है, तो यानी कि उस अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। तो क्रेडिट और डेबिट और क्रेडिट का यही मतलब है कि लेफ़्ट साइड में अगर शो की गई है तो डेबिट, और अगर क्रेडिट साइड में राइट साइड में कोई ट्रांजैक्शन शो की गई है, यानी कि उस अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है? तो चलिए अब हम सिंपल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि डेबिट और क्रेडिट आखिर है क्या। तो डेबिट और क्रेडिट को समझने से पहले हम क्या करते हैं, हम चलते हैं पीछे, पीछे की साइड जाते हैं, पीछे वाले अपने चैप्टर्स खंगालते हैं। और उसमें हमने एक वर्ड पढ़ा था जो था बिज़नेस ट्रांजैक्शन, पढ़ा था ना आप लोगों ने? अगर याद नहीं है तो दोबारा चैप्टर पे जाइए, उसमें आपके अकाउंटिंग की टर्म्स हैं, कुछ टर्म्स दी हुई है, और उसमें सबसे पहले जो टर्म है वो बिज़नेस ट्रांजैक्शन की ही है। तो वहीं से स्टोरी शुरू होती है, यानी कि जब बिज़नेस में कोई ट्रांजैक्शन होगी तभी तो हम डेबिट और क्रेडिट करेंगे। जब बिज़नेस में ट्रांजैक्शन ही नहीं होगी तो हम किसको डेबिट करेंगे और किसे क्रेडिट करेंगे? तो बिज़नेस ट्रांजैक्शन से ही सारी कहानी शुरू होती है, ठीक है? क्योंकि बिज़नेस की ट्रांजैक्शन होगी तभी हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर बिज़नेस में ट्रांजैक्शन ही नहीं होगी तो फिर अकाउंटिंग की क्या ज़रूरत, फिर तो बिज़नेस भी नहीं होगा। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारी क्या है, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होती है, जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन क्या होती है, क्या आपको याद है? चलिए मैं बताती हूँ। बिज़नेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है बिज़नेस में दो पार्टीज़ के बीच में, बिज़नेस में या बाहर की पार्टीज़ के साथ, किसी भी दो पार्टीज़ के बीच में होने वाली फाइनेंशियल एक्टिविटी को हम बिज़नेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। ऐसी एक्टिविटी जो फाइनेंशियली, यानी कि जिसको मनी के टर्म में हम शो कर सकते हैं और वो दो पार्टीज़ के बीच में हो रही है, तो उसको हम बिज़नेस ट्रांजैक्शन कहेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे बिज़नेस ट्रांजैक्शन का मतलब आपको समझ आ गया है, यानी कि दो पार्टीज़ के बीच में होने वाला लेन देन, जिसको हम लेन और देन, जिसको हम मनी के, यानी कि फाइनेंशियल या मनी के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो ट्रांजैक्शन की दो साइड है, एक है लेना, यानी कि हम कुछ ले रहे हैं तो उसके बदले में देना, यानी कि हमें कुछ देना भी पड़ेगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम लेकर तो बैठ गए हैं और हमने दिया कुछ नहीं है, तो वो बिज़नेस ट्रांजैक्शन नहीं होगी, ठीक है? मान लीजिए मैंने ये पेन अपने फ्रेंड को दे दिया कि ठीक है तू काम करके मुझे वापस कर दियो। अब उसने ले लिया, ठीक है, मैंने ये फ्रेंड को दे दिया पेन, फ्रेंड को पेन मिल गया है, पर वो मुझे कुछ उसके रिटर्न में नहीं दे रहा, तो ये बिज़नेस ट्रांजैक्शन नहीं है, ये ट्रांजैक्शन, ठीक है, नहीं है। तो यहाँ पे जब भी आप बिज़नेस में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी एक साइड होती है लेना, यानी कि बिज़नेस में कुछ आ रहा है, बिज़नेस में कुछ आना,
यानी कि बिजनेस को कुछ मिल रहा है, और दूसरी साइड होती है देना, यानी कि कुछ जा रहा है बिजनेस से। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी साइड होती है? ये होता है जाना, बिजनेस से कुछ जाना। अब बिजनेस में कुछ आएगा तो उसके बदले में कुछ उसको देना भी पड़ेगा, यानी कि बिजनेस से कुछ जाएगा भी। ठीक है, क्या जाएगा? पहले तो हम लेने और देने की बात करते हैं। बिजनेस क्या ले सकता है? बिजनेस दो तरह की चीज़ें ले सकता है। एक तो वो ले सकता है थिंग्स, यानी कि उसे चीज़ों की ज़रूरत है, यानी कि वस्तु, यानी कि जैसे बिजनेस को ज़रूरत पड़ती है फर्नीचर की, ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर की, ज़रूरत पड़ती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गुड्स उसको चाहिए। तो ये क्या होती है? ये चीज़ें होती हैं जो बिज़नेस को ज़रूरत पड़ती है। तो बिज़नेस क्या ले सकता है? बिज़नेस ले सकता है थिंग्स, और दूसरी चीज़ होती है बिज़नेस ले सकता है सर्विसेज, यानी कि किसी की सेवाएं। आप भी ऐसे करते हो ना, आपको सेवाएं भी चाहिए होती हैं, और क्या चाहिए होता है आपको? आपको चीज़ें भी चाहिए होती हैं, यानी कि आप मान लीजिए घर में क्या करते हैं, आप राशन भी लेके आते हैं, टीवी फ्रिज कूलर वगैरह सब लेके आते हैं। ठीक है, पर उसके साथ आपको क्या चाहिए? उसके साथ सेवाएं भी चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो टीवी फ्रिज का क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। आपका स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन के अंदर आपने चीज़ तो खरीद ली, स्मार्टफोन तो खरीद लिया, पर जब तक उसके अंदर सिम नहीं होगी और उसमें डाटा नेटवर्क नहीं होगा तब तक वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो सेवाएं हैं हमारी डाटा नेटवर्क, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे बिजनेस दो तरह से ट्रांजेक्शन कर सकता है, एक तो वो थिंग्स में ट्रांजेक्शन कर सकता है और दूसरी वो सर्विसेज में ट्रांजेक्शन कर सकता है। और उसके तरीके क्या है, बिज़नेस के ट्रांजेक्शन करने के क्या तरीके हैं? आप भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है सिर्फ बिज़नेस ही उस तरीके से ट्रांजेक्शन करता है। एक वो करता है कैश में, आप भी जाते हो ना, अगर आपके पास पैसे होते हैं, मान लीजिए आप दुकान पर राशन लेने गए, आपके पास पैसे हुए तो आप तुरंत दे के आ जाते हो। अगर आपके पास पैसे नहीं होते तो आप क्या करते हो? आप बोलते हो ना भैया खाते में लिख लेना। ठीक है, ऐसे ही करते हो ना, तो ऐसे ही बिज़नेस के साथ है। वो भी या तो वो कैश में ट्रांजेक्शन करेगा या फिर वो क्रेडिट में। क्रेडिट का यहाँ मतलब है उधार, क्रेडिट वो वाला क्रेडिट नहीं है, उधार वाला क्रेडिट है। ठीक है, या फिर वो उधार में ट्रांजेक्शन करेगा। ठीक है, दो चीज़ों में वो ट्रांजेक्शन करेगा, या तो वो कोई वस्तु खरीदेगा या सेवा खरीदेगा, और दो तरीके से वो कर सकता है, या तो कैश या फिर वो क्रेडिट में। जब वो क्रेडिट में करेगा तो वो एक प्रॉमिस देगा कि ठीक है मैं इस दिन आपका पैसा चुका दूँगा। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया? ट्रांजेक्शन का मतलब आपको समझ आ गया, कुछ लेना कुछ देना, यानी कि कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है। किस तरह की बिजनेस ट्रांजेक्शन कर सकता है, किन किन चीज़ों में? या तो वो कुछ चीज़ खरीदेगा या वो कुछ सर्विस लेगा। और किस तरीके से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं? या तो वो कुछ कैश में ख़रीदेगा या फिर वो कुछ उधार लेगा और प्रॉमिस देगा। अब हम कुछ एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए बिजनेस है, ठीक है, उसको फर्नीचर चाहिए, तो वो क्या करेगा? फर्नीचर खरीदेगा। तो क्या हुआ, फर्नीचर जो है वो बिज़नेस में आ गया। तो क्या आया बिज़नेस में? फर्नीचर। ये फर्नीचर बिज़नेस में आ गया, हमने लेने वाली साइड पे लिख दिया कि बिज़नेस ने फर्नीचर ले लिया है। अब बिज़नेस की तरफ से क्या जाएगा? बिज़नेस उसके बदले में कैश पे करेगा। ठीक है, मान लीजिए फर्नीचर है हमारा 5,000 रुपये का, तो 5,000 रुपये के साथ वो उसने कैश पे कर दिया। ठीक है, इसके उल्टा अगर बिज़नेस ने फर्नीचर तो ख़रीदा होता, चलिए मान लीजिए बिज़नेस को कंप्यूटर, हम यहाँ व्हीकल या कंप्यूटर कुछ भी ले लेते हैं, चलो व्हीकल ले लेते हैं कि बिज़नेस ने व्हीकल ख़रीदा, तो बिज़नेस में क्या हुआ? व्हीकल आ गया। ठीक है, जो भी उसको चाहिए था वो आ गया बिज़नेस में, और अब इसके बदले में वो क्या करता है? बिज़नेस ने यहाँ पे कैश नहीं दिया, वो प्रॉमिस कर रहा है कि ठीक है इस तारीख को मैं आपका ये जो भी पैसे हैं, मान लीजिए बिज़नेस है 5-10 हज़ार का, मान लीजिए बिज़नेस ये हमारा व्हीकल है 10,000 का, तो बिज़नेस कह रहा है ये 10,000 रुपये मैं आपको अगले महीने पे कर दूँगा, यानी कि वो उधार ले रहा है। ठीक है, तो अगले महीने पे करने की वो प्रॉमिस कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा बिज़नेस? अब यहाँ पे उसने व्हीकल तो आ गया बिज़नेस में, अब यहाँ पे क्या कर दिया उसने? प्रॉमिस क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे वो उस वेंडर का या सप्लायर का नाम लिखेगा जो उसको व्हीकल प्रोवाइड करा रहा है, जो भी दे रहा है उस व्यक्ति का नाम लिखेगा, ए बी सी डी जो भी है, एज अकाउंट या कुछ भी, उसका नाम लिखेगा। अब जब भी वो डेट आएगी
मान लीजिए नेक्स्ट मंथ का प्रॉमिस हुआ है, तो जब भी वो नेक्स्ट मंथ आएगा तो इस प्रॉमिस को तो पूरा करना ही है, तो बिज़नेस को ये प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा, 10,000 रुपये ए को देने पड़ेंगे। तो जब भी ये प्रॉमिस पूरा करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, बिज़नेस की तरफ से कैश चला जाएगा उस डेट को, ठीक है। बिज़नेस यहाँ पे क्या कर रहा है, जो व्हीकल ख़रीदा था उसका जो प्रॉमिस किया था वो अब कैश पे कर रहा है 10,000 रुपये, ठीक है। अब इस कैश पे करने के बदले में उसको कुछ मिला तो नहीं, ठीक है, पर वो जो प्रॉमिस उसने किया है वो प्रॉमिस वो पूरा कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा एज अकाउंट, यानी कि ये हमने प्रॉमिस पूरा कर दिया है, जो भी प्रॉमिस क्रिएट हुआ है उसको पूरा करना ज़रूरी है, ठीक है। ये कैश उसको यहीं देना था पर यहाँ वो नहीं दे पाया तो इसलिए यहाँ पे दे दिया। अब मान लीजिए हम अब सर्विस की बात कर लेते हैं, यानी बिज़नेस में आपको बिजली भी चाहिए होती है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए बिज़नेस ने इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया, तो बिज़नेस ने किस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया, क्या बिज़नेस को मिल गया, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिज़नेस बिजली उसको मिल गई है, बिजली उसने यूज़ कर ली है, और इसके बदले में वो क्या देगा, बिज़नेस कैश पे करना पड़ेगा उसको, जो भी उसका बिल आएगा, मान लीजिए 1,000 का बिल आया तो 1,000 उसको कैश पे करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, जब आपके घर में बिजली का बिल आता है तो आपको चुकाना पड़ता है ना, ये तो मीटर काट के ले जाते हैं, आगे से यूज़ करके देखना तुम, बताएंगे तुम्हें, ऐसे ही होता है ना। तो यही हाल है, जब भी आप सर्विस लेते हो तो वो आपको कैश में पे करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रॉमिस किया है तो वो प्रॉमिस भी पूरा करना पड़ेगा। आई होप इतना समझ आया होगा आप लोगों को कि ट्रांजैक्शन जब भी होती है उसके दो साइड होते हैं, एक होता है जो बिज़नेस में हमें मिलता है आता है, ठीक है, बिज़नेस के अंदर जो भी आ रहा है, और दूसरी साइड होती है उसके बदले में जो भी बिज़नेस को मिल रहा है उसके बदले में उसमें कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है, देना पड़ता है। तो ये हो गई हमारी दो साइड्स, एक हो गया लेन वाली साइड और एक हो गया देने वाली साइड। तो जो लेने वाली साइड है ये होता है हमारा डेबिट, यानी कि अगर हम ये वाली साइड जो हो गई हमारी, ये हो गई हमारी डेबिट साइड, और ये वाली जो हमारी साइड होता है ये चीज़ें होती हैं हमारी क्रेडिट, यानी कि बिज़नेस को जो भी मिल रहा है, जो भी बिज़नेस में आ रहा है वो होगा डेबिट, और जो बिज़नेस से जा रहा है वो होगा क्रेडिट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बिज़नेस ने फर्नीचर ख़रीदा, मान लीजिए हम पहले वाली ट्रांजेक्शन ले लेते हैं, बिज़नेस ने ख़रीदा है फर्नीचर, तो बिज़नेस में फर्नीचर आया है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश ट्रांजेक्शन ये बनेगी। दूसरा उसने ख़रीदा है व्हीकल, पर वो प्रॉमिस कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन बनेगी व्हीकल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसने प्रॉमिस किया है तो उसका नाम लिखा जाएगा। तो जब वो उसकी प्रॉमिस को पूरा कर देगा तो बिज़नेस से क्या चला जाएगा, कैश, कैश को क्रेडिट करेंगे क्योंकि बिज़नेस से जा रहा है, तो यहाँ पे एज अकाउंट डेबिट टू कैश ए ख़त्म हो जाएगा, यानी कि हमारा प्रॉमिस हमने पूरा कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी हमने यूज़ की है और उसके बदले में हमने कैश पे किया है, तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, बहुत ही ईजी है, और इस अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हो तो जर्नल एंट्री बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है, बहुत ही ईजी सा है। अगर मान लीजिए आप कुछ सेल करते हैं, चलो सेल वाली भी एंट्री ले लेते हैं हम, ये तो हमने ख़रीदने वाली नहीं है सारी, कि हमने थिंग खरीदी और सर्विस ली। मान लीजिए आप गुड्स, जो भी बिज़नेस कर रहे हैं आप गुड्स सेल कर रहे हैं उसमें, तो आपकी तरफ से क्या जा रहा है, आपकी तरफ से गुड्स जा रहे हैं, ठीक है। जब आप गुड्स दे रहे हो उसको, सेल कर रहे हो कस्टमर को अपने, तो यहाँ पे आपका कस्टमर आपको क्या देगा, कैश, तो बिज़नेस में क्या आएगा, कैश आएगा। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, एंट्री हमारी बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स, ठीक है। और मान लीजिए अगर आप क्रेडिट पे कोई गुड्स बेच रहे हो, ठीक है, आपने यहाँ पे गुड्स बेच दी क्रेडिट पे, यानी कि आपकी तरफ से गुड्स चली गई हैं, बिज़नेस से गुड्स चली गई हैं, उसके बदले में आपका जो कस्टमर है वो आपको प्रॉमिस कर रहा है, कौन प्रॉमिस कर रहा है, कस्टमर, कि मैं इस डेट को आपका पैसा चुका दूंगा। मान लीजिए आपके कस्टमर का नाम है बी,
तो आप लिखोगे बीज अकाउंट, तो आपकी एंट्री बनेगी बीज अकाउंट डेबिट टू गुड्स। और जब आपका वो कस्टमर आपको पैसे चुका देगा तो बिजनेस में क्या आएगा, कैश, कैश आएगा ना बिजनेस में। अब गुड्स तो आप उसके बदले दे ही चुके हो, तो यहाँ पे क्या है, जो प्रॉमिस किया गया था वो पूरा किया गया है, यानी कि ये जो हमारा बीज है वो इधर आ जाएगा क्रेडिट साइड में, तो ये हमारा कट हो जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। आई होप ये आपको समझ आया होगा। डेबिट का मतलब होता है जो बिजनेस में आया है, जो बिजनेस का अपना है। क्रेडिट का मतलब होता है जो बिजनेस पे लाइबिलिटी है, जो बिजनेस को चुकाना है। अब आइए अब हम असेट्स वगैरह भी देख लेते हैं कि क्या उसमें अपना है और क्या हम डेबिट करते हैं, क्या बैलेंसेस किसके डेबिट होते हैं और कैसे होते हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। सॉरी। तो बिजनेस का अपना क्या होता है, जो हमारा बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है, तो बिजनेस में जो भी असेट्स होती हैं, बिजनेस की जो भी असेट्स होती हैं वो बिजनेस की अपनी होती हैं, ठीक है। जो बिजनेस के खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस, वो भी बिजनेस के अपने ही होते हैं, ठीक है। और जो बिजनेस में से जो ऑनर ड्राइंग करता है, यानी कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ खर्चे निकालता है, तो ये भी पैसा आपके ओनर को पे करना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस और जो उसका ओनर है वो दोनों अलग अलग बंदे हैं, ठीक है। ओनर अलग है और बिजनेस अलग है, ठीक है। और जब भी ओनर पैसे निकालेगा अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से, बिजनेस में से, तो बिजनेस कहेगा भाई मुझे मेरे पैसे वापस करो। तो ये होगी आपकी ड्राइंग्स, यानी कि ओनर को आपको वो पैसे वापस करने पड़ेंगे, यानी कि बिजनेस के लिए, ठीक है। ये जो ये अकाउंट होते हैं ये सारे हमारे डेबिट होते हैं। एसेट्स के सारे अकाउंट डेबिट होंगे, एक्सपेंसेस के सारे अकाउंट आपके डेबिट होंगे, और जो भी आपके ड्राइंग है वो आपके डेबिट होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं क्रेडिट की। दूसरा, बिजनेस से बिजनेस क्या क्या देगा। बिजनेस की एक तो लाइबिलिटी होती है ओनर के लिए, ठीक है। जब भी ओनर बिजनेस में पैसे लगा रहा है तो क्या होता है, दूसरी साइड कैपिटल हो जाती है, वो कैपिटल बन जाती है बिजनेस की, ठीक है। तो बिजनेस को वो कैपिटल पे करनी पड़ती है, वापस देनी पड़ती है ओनर को। ओनर ने जो भी पैसा बिजनेस में लगाया है, बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस की ये लाइबिलिटी है कि वो पैसे वो वापस करेगा ओनर को, ठीक है। तो यहाँ पर बिजनेस की एक तो लाइबिलिटी होगी किसके लिए, ओनर के लिए, यानी कि ओनर को पैसा देना पड़ेगा कैपिटल के रूप में। और कुछ लाइबिलिटीज़ होती है हमारे आउटसाइडर्स के लिए, ठीक है। बाहर से कोई पैसा लगा रहा है बिजनेस में, जैसे क्रेडिटर हो गए या इन्वेस्टर्स हो गए इस तरीके से, तो ये लाइबिलिटी, आपने किसी से बैंक लोन लिया है, वो सारे पैसे आपको पे करने पड़ेंगे, यानी कि देना पड़ेगा, ठीक है। वो सारे क्या हो गए, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होगी, तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे आते हैं रिवेन्यू, सॉरी, यहाँ पे हमारा आएगा प्रॉफिट, रिवेन्यू माइनस परचेजेस, यानी कि जो आपने सेल की है वो, और उसका माइनस करेंगे हम परचेजेस को, वो हमारा सेल्स माइनस परचेजेस। सेल में से परचेज माइनस करने के बाद आपको प्रॉफिट मिला, जो भी प्रॉफिट होगा ये बिजनेस को देना पड़ेगा, किसे, ओनर को। ओनर को किस लिए देगा, क्योंकि जो बिजनेस है वो ओनर के लिए काम कर रहा है, ठीक है, अपने मालिक के लिए काम कर रहा है ना। और मेन जो है वो मालिक है, मालिक के लिए काम कर रहा है बिजनेस, तो जो जो प्रॉफिट होगा उस पर मालिक का हक होगा, ओनर का हक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तो ये जो प्रॉफिट है ये बिजनेस को ओनर को देना पड़ेगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो ओनर को देगा। तो यहाँ पे ये सारी देनदारियाँ हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें बिजनेस को देना ही पड़ता है। कैपिटल ओनर को देनी पड़ती है वापस, जब भी बिजनेस वाइंड अप होता है, ख़त्म होता है, तो कैपिटल आपको देनी पड़ती है ओनर को। लाइबिलिटीज़ जो होती है वो पे करनी पड़ती है, जो जितनी भी पार्टीज़ होती हैं, जो भी आउटसाइडर्स होते हैं, और जो प्रॉफिट है वो भी आपको, वो भी ओनर का होता है, बिजनेस का नहीं होता। बिजनेस का क्या होता है, बिजनेस के होती हैं असेट्स,
बिज़नेस के होते हैं एक्सपेंसेस और बिज़नेस की होती है ड्राइंग, जो भी वो पर्सनल खर्चे के लिए निकालेगा आपका ऑनर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन थी कि डेबिट और क्रेडिट कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो बच्चे इसको प्रैक्टिस करिए, जब तक आप जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको जर्नल एंट्री बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे समझने की कोशिश कीजिए। तो थैंक यू सो मच।